हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूला फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th क्लास। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं विमा के अनुप्रयोग। तो देखो, विमा के अनुप्रयोग कितने होते हैं बेटा? तीन होते हैं, नॉर्मली तीन होते हैं। पहला होता है कि कन्वर्ट द वन यूनिट इंटू अनदर यूनिट बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। सेकेंड वन होता है टू करेक्ट द फिजिकल फॉर्मूला, टू करेक्ट द फॉर्मूला बाय यूजिंग ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। एंड थर्ड वन इज डेराइव द फॉर्मूला बाय यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसके तीन एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन इज करेक्ट द फॉर्मूला, मतलब करेक्ट द फॉर्मूला कैसे, मतलब अपन फॉर्मूले को चेक करेंगे कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। सेकेंड वन डेराइव द फॉर्मूला, फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। एंड थर्ड वन इज कन्वर्ट द यूनिट। तो ये तीन जो एप्लीकेशन है वो डायमेंशन फॉर्मूले के यूनिट एप्लीकेशन होते हैं, मतलब विमा के अनुप्रयोग है। कि एक तो विमीय सूत्र की सहायता से सूत्रों की जांच करना, दूसरा भौतिक सूत्रों का व्युत्पन्न करना या भौतिक मान का व्युत्पन्न करना, और तीसरा एक भौतिक मात्रक से दूसरे भौतिक मात्रक में परिवर्तन करना या कन्वर्ट करना। तो अपन आज पहला लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट अपन करेंगे कन्वर्ट द यूनिट, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, जो फर्स्ट हो थर्ड हो जो भी डिपेंड करता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट की देखो यार बात करते हैं अपन आज। कन्वर्जन ऑफ यूनिट मतलब कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे वर्क करता है। तो अब बात करेंगे, जैसे मान लो कि मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकता हूँ कि फोर्स है एफ और एफ बराबर होता है एम ए। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन इस मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपन ने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो न्यूटन होगा, इस न्यूटन का मतलब मैं बोल सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इस न्यूटन का मतलब है। और ये कौन सी यूनिट में होता है? ये होता है एम के एस सिस्टम में, मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसे बोलते हैं अपन एसआई यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं इसमें कि भाई ये एसआई यूनिट में तो आ गया, लेकिन अगर इसको मेरे को, इस पूरी यूनिट को मेरे को अगर सीजीएस में बदलना हो, किस में बदलना हो? सीजीएस में बदलना हो। और सीजीएस में जो न्यूटन का यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा? हाँ, डायन। क्या होता है? डायन, हिंदी में लिखते हैं डाइन, इस तरीके से डाइन। तो ध्यान रखना ये वो वाली डाइन नहीं है, ये डाइन है, डाइन। ठीक है, अब ऐसे ही सीजीएस में इसका डाइन का मतलब क्या होगा? ये होगा सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डाइन का मतलब होगा। पर अपने को ये देखना है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। डायरेक्ट अपन यूजिंग करते हैं, इसमें कोई कन्वर्जन ऑफ यूनिट का नहीं लगाएंगे, पहले डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट अपने को पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसका अपन यूज करते हैं, तो न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम की जगह लिख सकते हैं अपन 1000 ग्राम एंड इंटू, और मीटर की जगह लिख सकते हैं अपन 100 सेंटीमीटर और पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 10^3 और 10^2, तो टोटल आ जाएगा 10^5। तो क्या आ गया ये? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अभी अपन ने बताता करा था कि ये जो यूनिट होती है ये किसकी यूनिट होती है? ये यूनिट होती है डाइन की, ये पूरी की पूरी यूनिट होती है डाइन की। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है कि 1 न्यूटन इज इक्व टू 10^5 डाइन। ये तो हो गया इससे,
अब बाई यूजिंग इस कन्वर्जन फॉर्मूला से कैसे होता है कि यार एक चीज़ है कि अगर यूनिट बढ़ेगी एक चीज़ समझना कि वन यूनिट बराबर 10^5 डाइन। तो अगर ये यूनिट बढ़ी पहले तो देखो समझना इस चीज़ को समझना कि न्यूटन बढ़ा कि डाइन बढ़ा। ऑब्वियसली बात है सर कौन बढ़ा न्यूटन बढ़ा। तो अगर यूनिट कम हो रही है ये यूनिट कम हो रही है तो इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या हो रही है बढ़ रही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट यस और नो। वापस समझना कि द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। कैसे कि न्यूटन बढ़ा कि डाइन बढ़ा। सीधी बात है सर न्यूटन बढ़ा तो अगर न्यूटन से डाइन आया तो यूनिट घट रही है लेकिन 1 से 10^5 तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ रही है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि सर कि द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। तो यहां पर बोलेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो यहाँ से अगर मैं u को इधर भेज दूँ प्रोपोर्शन साइन तो हटेगा तो क्या आएगा n बराबर c/u और वेयर c इज द कॉन्स्टेंट। तो इसको मैं बोल सकता हूँ n इंटू यू बराबर कॉन्स्टेंट। मतलब यहाँ से अपने को एक चीज़ समझ में आई कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो अपन दो ही है यूनिट ऑफ सिस्टम की यूनिट दो ही है न्यूटन और डाइन। दो सिस्टम अलग अलग है एक एमकेएस में वर्क करती है और एक सीजीएस में वर्क करती है। एक एमकेएस में वर्क कर रही है और एक किस में वर्क कर रही है सीजीएस में वर्क कर रही है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि अगर कोई दो यूनिट हो तब कैसे वर्क करेगा। तो इसको लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2 यस और नो। ओके बेटा अब देखो इससे यूज करके कैसे अपन ये वैल्यू निकालते हैं। तो अपन अब एग्जांपल लेते हैं वापस। अब यहाँ पर u1 अपने को गिवन है। u1 कौन सी है गिवन यूनिट। पहले एग्जांपल हटा देखते हैं एक बार क्या क्या है। u1 है गिवन यूनिट n1 गिवन न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और u2 कौन सी निकालनी है तुम्हें है ना। तो फाइंड मतलब कन्वर्ट यूनिट ठीक है और n2 फाइंड आउट द न्यूमेरिक वैल्यू ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है n2। अब देखो कैसे करेंगे। तो इसका अपन अब लेते हैं एक एग्जांपल। अपने को एक न्यूटन दे रखा है और इसको कन्वर्ट करना है हाउ मच ऑफ डाई ये अपना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो एक एक चीज़ समझते हैं। तो पहले न्यूटन की बात करते हैं। तो न्यूटन है न्यूटन मतलब किस सिस्टम में एमकेएस में। ओके बेटा डाइन किस सिस्टम में है वर्क करता है सीजीएस में। ये चीज़ अपने को आ गई। अब एमकेएस में तो वर्क कर रहा है और यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है तेरे को सॉरी अपने को न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है n1 बराबर 1 ठीक है लेकिन n2 फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अब ये जो यूनिट है ये u1 पर बेस होगी तो इसका जो वर्क होगा ये किसके अंदर वर्क करेगी किलोग्राम मीटर सेकंड में ये u1 हो जाए और ये हो जाएगी u2। अब देखते हैं कैसे। तो देखो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अपन इस तरीके से
कि यू टू बराबर एन वन यू वन अपॉन यू टू, हाँ या ना? ये समझ में आया? ओके, अब यू वन अपॉन यू टू है क्या, सॉरी एन टू, क्लियर, एन टू इज इक्वल टू एन वन यू वन अपॉन यू टू। ओके बेटा, अब देखो यू वन अपॉन यू टू, तो इसको अपन डायमेंशन फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते थे, तो एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर बी, और टी वन अपॉन टी टू की पावर सी। मतलब इनकी जो डायमेंशंस वर्क करेगी एम वन टी में, उस तरीके से अपने इसको लिख देंगे। ठीक है भाई, देखते हैं कैसे कैसे। तो सबसे पहले ये है तो क्या, न्यूटन ऑफ फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एफ बराबर एम ए, और इसका होता है न्यूटन, और न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला कल अपन ने डिस्कस करा था, एम वन एल वन टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये तो हो गया एन टू, एन वन की वैल्यू वन। अब देखो किस में दे रखा है, किलोग्राम में, निकालना किस में है, नीचे ग्राम, ए पावर कितनी है वन, इसी प्रकार एल वन किस में है, दे रखा है मीटर में, निकालना किस में है, सेंटीमीटर में, पावर कितनी है वन, टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में, निकालना किस में है, सेकंड में, पावर कितने दे रखी है, माइनस टू। ये क्लियर हुआ नहीं, यहाँ तक ओके? ठीक है, कन्वर्ट करते हैं कि भाई जो किलोग्राम होता है, अभी बताया था किलोग्राम होता है तो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो यहाँ से हो जाएगा एन टू इज इक्वल टू वन, और यहाँ पर अब देखो किलोग्राम, तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर वन। इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर वन। और आगे भाई सेकंड में तो सेकंड ही है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है कि पावर माइनस टू। अब जो चीज़ कट रही है उसको काटो, तो देखो क्या क्या कट रहा है, ग्राम ने ग्राम को काटा, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को काटा, सेकंड ने सेकंड को काट दिया। तो यहाँ पर एन टू बराबर वन, और ये क्या हो गया 1000 की पावर 1, तो 10^3, यहाँ 10^2, और ये एन टू जो न्यूमेरिक वैल्यू आई है ये आई है 10^5। और अब इस वैल्यू को यहाँ उठा के रख सकते हैं, तो ये वैल्यू आई और यहाँ इसको चिपकाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया। देखो कन्वर्जन दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो तुम्हारा नॉर्मल तरीके से कन्वर्जन, और एक बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। क्या डायमेंशन फॉर्मूला का यूज़ लिया, तो ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे अपन इसका एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे और थोड़ा क्लियर हो पाए। तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये लेते हैं कि 9.8 जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मतलब सेम चीज़ है कि यूनिट किस में दे रखी है, ये वाली एम के एस में, किस में कन्वर्ट करनी है, सी जी एस में, और जी का डायमेंशन फॉर्मूला मीटर की सेकेंड, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस टू, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई यहाँ से, न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, एन वन की वैल्यू 9.8 दे रखी है, और एन टू की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अब देखो डायरेक्ट हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो एन टू बराबर एन वन एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर बी, एंड टी वन अपॉन टी टू की पावर सी। ओके बेटा, आगे देखें तो एन टू निकालना है, एन वन की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.8, एम वन वही सेम किलोग्राम
यहाँ पर ग्राम, ए पावर जीरो, एल वन मीटर और नीचे निकालना सेंटीमीटर और पावर बी पावर वन, टी वन गिवन सेकेंड और निकालना भी सेकेंड में पावर माइनस टू। अब देखो वही कन्वर्जन लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी की भी पावर जीरो होती है ना बेटा, चाहे कन्वर्जन लिखो या मत लिखो, किसी की भी पावर जीरो तो उसकी ऑलरेडी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। ये तो सबको सब जानते ही होंगे, ये ध्यान रख लेना कि किसी की भी पावर जीरो उसकी वैल्यू वन होती है। तो एन टू इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू वन। अब यहाँ पर कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर वन, और सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया तो ये भी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वन के इक्वल होगी। तो यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो एन टू इज इक्वल टू 9.8 इंटू 100 एंड इज इक्वल टू 980। तो यहाँ पर अपन ये वैल्यू चिपका सकते हैं कि जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 980 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है या नहीं? हाँ, तो अपना पहला जो था करेक्ट द फॉर्म, सॉरी कन्वर्ट द यूनिट। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे यूनिट को कन्वर्ट करना है, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसी को अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आराम से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें और मेरे से पूछे। नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा, ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं सेकंड से कि करेक्ट द फॉर्मूला। ओके, तो इसको मिटा रहा हूं। हाँ, अब देखो सेकंड पे चलते हैं। और सेकंड क्या है अपना, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब अपन जो भी गिवन फॉर्मूला होंगे उनको चेक करेंगे कि दैट फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, देखते हैं देखें कैसे होता है। तो इस चीज़ को अपन को समझने के लिए इसकी स्टेप्स है, बस वो स्टेप फॉलो करना। और स्टेप में क्या है कि LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS साइड इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS साइड। तो यहाँ पर बोल सकते हैं द DFs ऑफ LHS इज इक्वल टू DFs ऑफ RHS। अगर ये चीज़ फुलफिल कर जाती है सो दैट फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन अगर फुलफिल ना करे तो डेट फॉर्मूला इज डायमेंशनली नॉट करे। तो करते हैं देखे देखें एग्जांपल वन। सबसे पहले अपन लेते हैं कि अपने को पता है कि v बराबर x अपॉन t, सबसे इजी ले लेते हैं, या थोड़ा और टफ करें, चलो थोड़ा टफ करते हैं। अपन लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर गिवन होंगे कि k इज काइनेटिक एनर्जी, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। और अब इसकी यूनिट भी अपन जानते हैं बेटा कि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये सब अपने को पता है। तो अब देखो सबसे पहला आता है स्टेप वन। स्टेप वन क्या हो जाएगी, जितने भी अपने को वैल्यू दे रखी है उनके डायमेंशन फॉर्मूले लिखने। तो राइट ऑल द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी के दी गई सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले लिखने पर। तो देखो क्या होता है, एक 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 लिखते हैं। सबसे पहले के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यूनिट क्या होती है जूल, और डायमेंशन फॉर्मूला आता है अपने को m1 l1 t-2। ओके बेटा,
दूसरा आता है एम। एम क्या है? मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। डायमेंशन फॉर्मूला एम वन एल जीरो टी जीरो। थर्ड वन इज वेलोसिटी वी। वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड द डायमेंशन फॉर्मूला इज एम जीरो एल वन टी माइनस वन। ये आ गया स्टेप वन क्लियर। बात करते हैं स्टेप टू की। स्टेप टू अब सबसे पहले अलग अलग लेंगे कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ LHS फिर डायमेंशन फार्मूला ऑफ RHS कि LHS साइड का डायमेंशन फार्मूला और RHS साइड का तुम्हारे अकॉर्डिंग उल्टा होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन डायमेंशन फार्मूला ऑफ RHS तो K का डायमेंशन फार्मूला होगा M1 L2 T माइनस टू। L2 लिखा ना, ध्यान रखना L2 होगा M1 L2 T माइनस टू। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। इसको ले लो इक्वेशन नंबर वन। अब आ जाता है स्टेप थ्री। फिर क्या लिखेंगे? डायमेंशन फार्मूला ऑफ LHS साइड। अब LHS साइड का डायमेंशन फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ भाई, कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला होता ही नहीं है। मतलब क्या होगा? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ध्यान रखना 1/2 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी और इसका डायमेंशन फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये लिख दिया भाई। मल्टीप्लाइड एम का एम वन एल जीरो टी जीरो एंड वी का एम जीरो एल वन टी माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर है? नहीं है? यहाँ तक अपने को सब कुछ जो दे रखा है वो पुट कर दिया। फॉर्मूला दे रखा हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर रख दिया। तो देखो यहाँ तो है ही एम वन और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल टू टी माइनस टू स्क्वायर है तो ये आ जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू। ये इक्वेशन होगी सेकेंड। स्टेप फोर। इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को इक्वेट करना है। अगर दोनों इक्वल निकलती है, अगर दोनों इक्वल निकलती है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ LHS साइड इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ RHS साइड अगर इक्वल निकलती है तो सो दैट गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये जो गिवन फार्मूला हो जाएगा ये डायमेंशनली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो देखो क्या लिखेंगे? इक्वेशन वन इक्वेट टू इक्वेशन टू। तो यहाँ पर रख के देखेंगे तो एम वन एल टू टी माइनस टू इक्वेशन वन और टू में भी एम वन एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ लिखेंगे सो दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS देन द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आया नहीं है? तो मतलब जो अपना जो गिवन फार्मूला है वो क्या हो गया? डायमेंशनली करेक्ट हो गया बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो आराम से कमेंट सेक्शन पे जाना, कमेंट करना और वाक्य मतलब पूरा तुम्हें, जब तक तुम इसको खुद पढ़ोगे नहीं ना, जब तक तुम इसको खुद करोगे नहीं तब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो यार क्योंकि बेटा सारा का सारा जो है वो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, सारा का सारा जो मैथ से एक तरीके से, तो वो तुम जब तक तुम करोगे नहीं जब तक आएगी। क्लियर है? आगे नेक्स्ट थर्ड पर चलते हैं, डेराइव द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ अब चलते हैं। तो जो थर्ड वन है वो है तुम्हारा डेराइव द फॉर्मूला। अब कोई तुम्हें ये दे दिए कि भाई एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो कुछ दो या तीन फिजिकल क्वांटिटीयों पर डिपेंड कर रही है, कि मतलब मान लो कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन द मास वेलोसिटी, अगर ये दे दे तो तुम यही फॉर्मूला तुम्हें डिराइव करना हो तो कैसे डिराइव करोगे? तो अपना जो थर्ड है वो है डिराइव द फॉर्मूला बाई यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब अपने को कोई भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे पर किसके द्वारा? डायमेंशन फॉर्मूला के
द्वारा। क्लियर है बेटा, देखते हैं करते हैं। इसमें भी सेम वही है कि स्टेप बढ़ना, अपने को हर एक स्टेप के साथ बढ़ना, पर इसमें क्वेश्चन कैसे दिया गया रहेगा कि जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं कि एग्जांपल वन ले लेते हैं कि द वेलोसिटी, मतलब एक द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इस तरीके से है कि मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है या घूम रहा है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v, और ये किस किस पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है g एंड r, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा कि उसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें रोट 2, ये गिवन है, ठीक है। अब इसको v और g और r के बीच में अपने को एक रिलेशन डिराइव करना बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले स्टेप वन क्या होगी कि जो जो गिवन यूनिट है उनका बीच में एक रिलेशन लिखना, कि यहाँ पर लिख रखा है कि v, क्वेश्चन में क्या है कि v इज डिपेंड्स ऑन द g एंड r, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर a और r की पावर b, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा इक्वेशन नंबर वन। क्लियर है, नहीं है यहां तक? ओके, स्टेप टू क्या आएगा, पहले तो अपने को ये फॉर्मूला डिराइव कर लिख देना, मतलब जो भी हो, जैसे मान लो f इज डिपेंड्स ऑन द m एंड a, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a और a की पावर b, जैसे भी हो। तो यहां पर v इज डिपेंड्स ऑन द g एंड r है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर a एंड r की पावर b, और ये मल्टीप्लाई में लिखना, ये ध्यान रखना, और ये सारे के सारे जो टर्म्स आएगी वो मल्टीप्लीकेशन में आएगी, क्योंकि कभी भी कोई भी फॉर्मूला बनता है या तो वो मल्टीप्लीकेशन में होगा या वो डिवाइडेशन में होगा, वो ऑटोमेटिक इससे a और b का जो वैल्यू आएगी अपने पास उससे डिसाइड हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन, देखो तो अगला स्टेप टू क्या है, राइट ऑल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गिवन क्वांटिटी, कि सभी गिवन क्वांटिटी का अपने को डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंड डायमेंशन फॉर्मूला l1 t माइनस वन। फिर आता है g, g क्या होता है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला l1 t माइनस टू, एंड थर्ड इज r, रेडियस, और रेडियस है क्या, है तो लेंथ ही मीटर, और इसको डिनोट कर सकते हैं अपन l1। सब यूनिट होगी, ठीक है, स्टेप थ्री पर बढ़ते हैं। अब देखो स्टेप थ्री क्या हो जाएगा कि पुट ऑल द डायमेंशन फॉर्मूला इन इक्वेशन वन, वापस बोल रहा हूं, पुट ऑल दीज डायमेंशन फॉर्मूला इन इक्वेशन वन, पुट ऑल द डायमेंशन फॉर्मूला इन इक्वेशन वन, इस इक्वेशन एक में सभी डायमेंशन फॉर्मूला चिपकाने पर, तो देखो चिपका देते भाई, तो v l1 t माइनस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g l1 t माइनस टू की पावर a एंड r इज l1 की पावर b। क्लियर बेटा, सभी डायमेंशन फॉर्मूला इस इक्वेशन के अंदर अपन ने पुट कर दिए, तो देखो क्या हो जाएगा, तो l1 t माइनस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो l की पावर a, t की पावर माइनस टू a और l की पावर b, तो यहां से हो जाएगा l की पावर 1 t की पावर माइनस वन इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a और l की पावर b, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा a प्लस b और t की पावर माइनस टू a, ये आ गई इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन वन और वो इक्वेशन टू। स्टेप फोर, बोथ साइड कंपेयर द पावर ऑफ एम एल टी, बोथ साइड कंपेयर द पावर ऑफ MLT, both side comparing the
पावर ऑफ एम एल एन टी, मतलब दोनों तरफ एम एल टी की जो पावर है उसकी तुलना करने पर, तो देखो क्या हो जाएगा, इधर एल की पावर ए प्लस बी, इधर एल की पावर वन, तो ए प्लस बी बराबर वन, इधर टी की पावर माइनस टू है, इधर टी की पावर माइनस वन, तो माइनस का टू ए बराबर माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बराबर वन बाई टू। अगर ए बराबर वन बाई टू तो बी बराबर वन माइनस वन बाई टू, तो ऑल्सो वन बाई टू। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई बेटा, और दैट वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर पुट इन इक्वेशन वन, दैट इज द स्टेप फाइव। सो पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वन, ओके, कि समीकरण एक में ए व बी के मान रखने पर, तो देखो रखते हैं, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर ए वन बाई टू, और आर की पावर ए बी वन बाई टू, प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो v इज कॉन्स्टेंट k, और ये आ जाएगा किसी की भी पावर 1 बाई टू का मतलब होता है बेटा रूट, ये तो शायद मेरे को सबको पता होगा, क्लियर है ना बेटा, ठीक है, तो k और ये आ जाएगा रूट जी आर, और रूट k की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू अपने को गिवन है रूट टू, ऊपर ही ऊपर देख लो क्वेश्चन, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी v बराबर रूट ऑफ टू जी आर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, सॉरी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलेट करता है किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में और जिसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस आर है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वी बराबर रूट टू जी आर होगी, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो ये अपन ने वी जी आर के बीच में एक रिलेशन डिराइव किया बाई द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरे हिसाब से अपन ने तीनों चीज़ें डिस्कस करी है, कौन कौन सी, सबसे पहले अपन ने डिस्कस करा था कि कन्वर्ट द यूनिट, कि किसी एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना हो तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है, और सेकंड वन क्या था कि चेक द फॉर्मूला विच इज़ करेक्ट और नॉट, तो अपन ने फॉर्मूला भी चेक करा किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, कि भाई जो फॉर्मूला गिवन है वो करेक्ट है या नहीं है, और थर्ड वन इज डिराइव द फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला, जो ये है मतलब किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और उसका अपन को फॉर्मूला डिराइव करना है तो अपन किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। बस तुम एक चीज़ याद रखना, अगर एग्जाम में आता है, मैं बात करता हूँ बोर्ड की बात, अगर बोर्ड की में आता है तो इस तरीके से तुम्हें पर्टिकुलर स्टेप से करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर ये IITs, NET, NEET इनमें आता है तो तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।